हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी में नेटफ्लिक्स का ये एरर आ रहा है तो आप इस एरर को बहुत ही इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी की सेटिंग में जाना है। आप यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कीजिए, सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर दोस्तों, आपको यहाँ पर ऐप्स के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सी ऑल ऐप्स के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर सारे ऐप्स शो हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है नेटफ्लिक्स। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स आपको शो हो रहा है, आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। फोर्स स्टॉप के ऊपर क्लिक करके ओके कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लियर कैचे के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। फिर आपको क्लियर डाटा के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर परमिशन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर सारे परमिशन को अलाउ कर देना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्टैक्ट मीडिया जो भी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अनइंस्टॉल अपडेट के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। तो यहाँ पर नेटफ्लिक्स ऐप का अपडेट जो है अनइंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है बैक आना है। फिर आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है आपके एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी में इस तरीके से। फिर आपको जो है प्ले स्टोर के सर्च बार में यहाँ पर टाइप करना है आपको नेटफ्लिक्स। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं, आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। उसके बाद आपके पास यहां पर नेटफ्लिक्स ऐप अपडेट शो हो रहा है, तो आप उसको अपडेट कीजिए। आपके पास नेटफ्लिक्स ऐप अप टू डेट होना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत सिंपल है, आप इस तरीके से ये एरर जो है रिमूव कर सकते हैं, अगर आपके पास भी नेटफ्लिक्स में ये एरर आ रहा है तो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।